प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की साजिश है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जिस ट्रांसफार्मर को ठीक होने में महीनों लग जाते थे, वह अब दो दिन में ठीक हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में हो रही असुविधाओं और अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा कि सुधार होने में समय लगता है। आपने भाजपा को 15 साल दिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आप सभी से 15 महीने का समय मांगता हूं। इन 15 वर्षों में उन्होंने कहा था कि एक ट्रांसफार्मर जलता था तो 30 से 45 दिन लगते थे। ये सरकार में दो दिन में ट्रांसफार्मर ठीक हो रहा है। बिजली कटौती समाप्त हो गई, बिजली वसूली स्थगित हो गई, बिजली का बिल ऑफ हो गया। जो 2 रुपए यूनिट था उसका 1 रुपए यूनिट कर दिया। ये बात भी तो बोलो आप मेरे से। बिजली भी तो हाफ हो गई। ये आपका भ्रम है, सबके मुंह से बोल रहा हूं। ये आप 2018 के आंकड़े ले लो, उस समय कितनी बिजली वितरण होती थी, आज कितनी हो रही। ये मैं आपके माध्यम मेरे से आपको पूरा रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूं। ये तो योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। एक भी डॉक्टर 15 वर्षों भर्ती नहीं हुए। प्रति वर्ष 200 से 250 डॉक्टर रिटायर। इसकी पूर्ति हम करने का प्रयास कर रहे हैं, नई भर्ती करकर संविदा के माध्यम से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको नतीजे उस समय दे दो मेरे को। आपने उनको 15 वर्ष दिए हैं, हमें 15 महीने तो दे दो, 15 महीने तो दे दो सबको दुरुस्त करने में, ठीक करने में। हर सेवाएं ठीक दिखेगी आपको। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।